एवरीवन, आज का वीडियो मेरा आरएमसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर है। बेसिकली पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है ताकि पेरेंट्स को मालूम चले कि उसके बच्चे के पास आरएमसी के कितने अटेम्प्ट्स हैं और कब, अगर बच्चे अभी आपके छोटे हैं, सेकेंड क्लास में हैं, थर्ड में हैं, फोर्थ में हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं आरएमसी एग्जाम के लिए, पर्टिकुलरली आरएमसी के लिए, और वो चाहते हैं कि हमें पहले से मालूम हो कि बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट कब आएगा। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स बच्चे को 3 आरएमसी में मिलते हैं और पहले से जानना पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पेरेंट्स पहले से ही बच्चे को आरएमसी की तैयारी करवाएं। बहुत ही डायनेमिक एग्जाम है, एग्जाम बहुत ही आसान है लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए बच्चे की तरफ से प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। तो कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मान के चलिए कि आरएमसी की प्रिपरेशन में लगता है बच्चे को। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 डेट ऑफ बर्थ है। आप कैसे चेकआउट करोगे? हमने क्लास 3rd का बच्चा लिया है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2010 है और हमने क्लास 7 का बच्चा लिया है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 है। अच्छा, आपको ये बता दूं कि आरएमसी में जो एडमिशन होता है वो क्लास 8th में होता है, ठीक है, और 8th से 12th बच्चा आरएमसी में पढ़ता है। अच्छा, अब हम कैसे चेक करेंगे क्राइटेरिया? तो बेटा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। सबसे पहले पेरेंट्स, अगर बच्चा 6th क्लास में है या 6th से नीचे क्लास में है, लाइक 3rd, 4th एंड 5th, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये देखना है कि मेरा बच्चा किस ईयर, कौन से ईयर में मेरा बच्चा 6th क्लास में होगा, और वो भी उसके दिसंबर वाले मंथ में, ठीक है। 6th के दिसंबर वाला मंथ देखना है आपको, क्योंकि 6th का जो एंड है, ये दिसंबर वाला मंथ है, इसमें बच्चे को पहला आरएमसी का अटेम्प्ट मिलता है। लेकिन सिर्फ इतनी ही एलिजिबिलिटी काफी नहीं है, साथ साथ आपको उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी चेक करनी है। उस ईयर में अगर जो भी एज लिमिट्स दी हैं, अगर उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ उस एज लिमिट्स के अंडर आती है तो बच्चे के पास वो पहला अटेम्प्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमने एक फोटोग्राफ आपको दी है जिसमें आरएमसी एलिजिबिलिटी हम लोगों ने 2025 तक मेंशन किया है, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ये 2019 है तो जून और दिसंबर में एग्जाम होता है, 2020 फिर जून और दिसंबर में एग्जाम होता है, ठीक है, और उनके कोर्स जनवरी 20, जुलाई 20 एंड सो ऑन सो फोर्थ स्टार्ट होते हैं, और ये एज लिमिट्स हमने दी है, ठीक है। तो दो मैंने एग्जाम्पल्स लिए, तो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के लिए। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या है बच्चा अभी कौन सी क्लास में है? 3rd क्लास में है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 मार्च 2010। तो पहले अभी बच्चा 3rd क्लास में है, ठीक है। 3rd क्लास में मतलब अभी आपका जनवरी चल रहा है, जनवरी 2019 चल रहा है, तो बच्चा 3rd में है ना। अच्छा, अब मुझे क्या देखना है? सबसे पहले मुझे देखना है 6th के दिसंबर में बच्चा कौन सी ईयर में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं दिसंबर, अगर मैं सीधे दिसंबर की बात करूं, दिसंबर 2019 में, तो बच्चा कौन सी क्लास में होगा? 4th में, ठीक है, बच्चा 4th में होगा, क्योंकि जनवरी के बाद इनके मार्च अप्रैल में एग्जाम होंगे और मई जून से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा इनका, तो बच्चे 4th में आ जाएंगे। अच्छा, बच्चा 5th में होगा, एक साल में आगे सीधा बढ़ा रहा हूं, दिसंबर 2020 पे, ठीक है, एक साल बाद बच्चा 5th में होगा, वो 5th का दिसंबर चल रहा होगा, और बच्चा 6th के दिसंबर में कब होगा? इन दिसंबर 2021। तो आपने अब क्या आइडेंटिफाई कर लिया? ईयर आइडेंटिफाई कर लिया बच्चे का, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या ईयर आइडेंटिफाई किया? ये जो 3rd क्लास का बच्चा है, ये दिसंबर 2021 में, ये क्लास 6th में होगा, तो आपने पहले दिसंबर वाला चेक करना है। अब आप सीधे इस ईयर में आप यहाँ पर इस जो ये फोटोग्राफ है इस पे आएंगे और इसमें आप देखेंगे दिसंबर 2021, तो दिसंबर 2021 आपको ये दिखेगा, दिसंबर 2021, ठीक है। 1-2 दिसंबर को एग्जाम होता है बच्चों का, तो इसलिए हमने 1-2 दिसंबर 2021 लिखा हुआ है। इस एग्जाम को देने के लिए बच्चे का आप क्या देखेंगे? बच्चे का देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो अब एज लिमिट्स हमने दिए, एज लिमिट्स क्या है? 2 जुलाई 2009 से लेकर 1 जनवरी 2011 के बीच में बच्चा की अगर डेट ऑफ बर्थ आएगी तो बच्चे का ये अटेम्प्ट पहला होगा, ठीक है। तो हम इसकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 2010। तो हमने देखा 31 मार्च 2010, तो इन दोनों के बीच में आएगा, इसका मतलब पहला अटेम्प्ट इसको दिसंबर 2021 वाला मिलेगा। तो इस बच्चे का जो पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो मिलेगा इसको जो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा वो मिलेगा दिसंबर 21 वाला,
ठीक है, दिसंबर 21 वाला फर्स्ट अटेम्प्ट, बस उसके बाद आप अब देखते जाइए नेक्स्ट जून वाला अटेम्प्ट है या नहीं है। अब आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है। जून वाला अटेम्प्ट के लिए आप नेक्स्ट वाले में आना, जून वाले में, और आप सीधा एज की लिमिट देखना, 2 जनवरी 2010, 1 जुलाई 2011, तो बच्चे की 31 मार्च 2010 है, तो ये भी आ रहा है, तो उसके पास जून वाला भी अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट उसके पास जून वाला है, जून 2022 वाला, और तीसरा अटेम्प्ट दिसंबर 22 वाला है या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ चेक करो, 2 जुलाई 2010 से लेकर 1 जनवरी 2012, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 2010, 31 मार्च नहीं आ रहा, जुलाई से है ये स्टार्ट, मार्च नहीं आ रहा, इसका मतलब बच्चे के पास सिर्फ दो ही अटेम्प्ट्स हैं। तो आपने देखा कैसे थर्ड क्लास के बच्चे के हमने अटेम्प्ट्स फाइंड आउट कर लिए, दो अटेम्प्ट्स उसके पास आरएमसी के हैं, दिसंबर 2021 एंड जून 2022। तो ये तो छोटे बच्चों के लिए था जो थर्ड सेकेंड फोर्थ में है। आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, सिक्स्थ का एंड। अच्छा, दूसरा जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जनवरी 2007, और बच्चा सेवेंथ में है। अब सेवेंथ के बच्चे के लिए मुझे सिक्स्थ का एंड देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी वो सिक्स पास कर चुका है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो पास कर चुका है। तो मैं सीधा क्या देखूंगा, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है मैं सीधा उस पर आऊंगा और देखूंगा कि उसमें इस बच्चे की एज आ रही है नहीं आ रही। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारे पास आरएमसी का जून वाला है, इस बार जो 2019 में जून वाला अटेम्प्ट होगा, तो मैं सीधा इसकी एज लिमिट्स देखूंगा और देखूंगा कि बच्चे की एज इसमें लाई कर रही है नहीं कर रही। तो ये है 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जुलाई 2008, बच्चे की क्या है 1 जनवरी 2007। तो जैसे ही मैंने देखा कि 1 जनवरी 2007, तो बच्चा एक दिन से बच्चा एलिजिबल नहीं हो रहा है इस एग्जाम के लिए। इसका मतलब इससे पहले उसने एग्जाम्स आरएमसी के दिए होंगे। तो ये जो बच्चा जो क्लास सेवेंथ में है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 होने की वजह से इसको जून वाला अटेम्प्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये बच्चा एलिजिबल नहीं है, ही इज नॉट एलिजिबल। इसके पास जीरो अटेम्प्ट्स हैं, इसके पास जीरो अटेम्प्ट्स हैं आरएमसी के। अच्छा, फर्ज करो अगर इसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होती, सपोज 3rd of August एंड 2007, अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ ये होती और बच्चा सेवेंथ में ही होता, तो मुझे अब सिक्स का दिसंबर वाले देखने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं सीधा क्या देखूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन सा आ रहा है आरएमसी का, जून वाला। तो जून में मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ देखूंगा, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 3 अगस्त 2007, 3 अगस्त 2007। एज लिमिट्स देखूंगा, 2 जनवरी 2007, 1 जुलाई 2008, इसके बीच में आ रही है, बिल्कुल आ रही है 3 अगस्त। तो इस बच्चे के पास जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 2007 है और जो सेवेंथ क्लास में है, इस बच्चे के पास जो पहला आरएमसी का अटेम्प्ट आ रहा है वो आ रहा है जून 2019 वाला, ठीक है, ये इसका पहला अटेम्प्ट है। उसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट अटेम्प्ट देखूंगा दिसंबर 19 वाला, तो फिर से 2 जुलाई 2007, बच्चे की है 3 अगस्त, तो जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो उसके पास दिसंबर 19 वाला भी अटेम्प्ट है, दिसंबर 19 वाला है। अगर मैं जून 2020 वाला अटेम्प्ट देखूं, तो जून 2020 वाला अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि 2 जनवरी 2008 आ चुका है यहां पर और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 2007 है, तो वो तो बीच में आएगा नहीं, 8 से 9 के बीच में है, तो बच्चे के पास सिर्फ दो ही अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो बच्चे सिक्स क्लास से नीचे हैं, सबसे पहले आपको उनके ईयर देखना है, वो कब सिक्स के दिसंबर में जाएंगे वो ईयर आपने देखना है, और उस ईयर में आपने उस बच्चे की एज लिमिट चेक करनी है, और उसके बाद आगे के अटेम्प्ट्स में आप एज लिमिट चेक करो और फाइंड करो कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। जो बच्चा सिक्स के एंड में ऑलरेडी है या जो बच्चा सेवन्थ में जा चुका है, तो उसके लिए आपने बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सा ईयर है जब वो सिक्स के एंड में होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको पार कर चुका है। आपने क्या देखना है, जो नेक्स्ट आरएमसी का अटेम्प्ट है, जैसे अभी जून में आने वाला है, तो आप सीधा जून वाला अटेम्प्ट देखिए, एज लिमिट्स देखिए, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ उसमें आ रही है तो ठीक है, एलिजिबल है। नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट देखिए, उसमें आ रही है तो वो भी एलिजिबल है, नेक्स्ट देखिए नहीं आ रही तो नहीं एलिजिबल है, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं पेरेंट्स से चाहूंगा कि वो बच्चों के अटेम्प्ट्स पहले से ही देख लें कितने हैं, ताकि अकॉर्डिंगली पेरेंट्स बच्चों की तैयारी करवा सके, ठीक है, ओके, ठीक है। दैट्स ऑल, आज के वीडियो में इतना ही है, एंड ऑल द बेस्ट सारे बच्चों के लिए, ऑल द बेस्ट।